बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली जो एपीएससी में लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है, या वैसे तो और भी डिफरेंट जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन उन्हीं डिफरेंट जॉब्स में जो मोस्ट पावरफुल जॉब है ना, वो है असिस्टेंट डायरेक्टर। ग्रेड 17 के तौर पर आपको FIA में भर्ती किया जाएगा। वैसे आप लोगों को FIA का पता ही होगा, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफली ओवरव्यू दे चुका हूँ। ऑल ओवर द पाकिस्तान के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल है इन पोस्टों पर अप्लाई करने के लिए। टोटल पोस्टों की तादाद है वो है गाइस 30। अब ये ना हो कि ये 30 देखकर मोस्टली कैंडिडेट डिसहार्ट होना शुरू हो जाएं कि ये 30 कैंडिडेट्स मीन के ऑल ओवर द पाकिस्तान के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो हम कैसे मीन के सिलेक्ट हो पाएंगे कंपटीशन के इस दौर में। एक चीज़ जहन में रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा गाइस, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो कभी भी पोस्ट की नंबरिंग देखकर आपने अप्लाई नहीं करना। आपको अपनी मेहनत पर इतना यकीन होना चाहिए, इतना आपको मीन के कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अल्लाह की ज़ात पर इतना आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए कि अगर इधर 30 की जगह 5 पोस्टें भी होती ना, तो अगर 5 कैंडिडेट्स की जो फाइनल मेरिट लिस्ट मीन के नाम आएगा ना, उन्हीं 5 कैंडिडेट्स में आपका भी नाम शामिल होगा। इस तरीके के साथ आपको हार्डवर्क करना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अल्लाह की ज़ात पर आपका यकीन भी पुख्ता होना चाहिए। आप लोगों को पता है ना कि अल्लाह पाक किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करते। तो अगर आप भी सीरियस हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर FIM में भर्ती होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि आज की वीडियो इंशाल्लाह देखने के बाद आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को अप्लाई करने से लेकर आपकी फाइनल सिलेक्शन होने तक का जो कंप्लीट प्रोसीजर है ना, इसके अलावा आप लोगों के जो छोटे मोटे बेसिक से क्वेश्चन है, इनकी क्या सैलरी होती है, क्या काम करना होता है, पावर से रिलेटेड, फर्दर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के जो टेस्ट होंगे उनका पेपर पैटर्न क्या होगा, कंप्लीट गाइडेंस आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगन। सबसे पहले हम देखेंगे कि एजुकेशन मीन के तलीम क्या मांगी गई है, फर्दर एज क्राइटेरिया की भी बात करेंगे कि कितनी उम्र मांगी गई है इन पोस्टों पर अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आपने कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस भी देखेंगे कि अप्लाई करने से लेकर आपकी फाइनल सिलेक्शन होने तक का जो कंप्लीट प्रोसीजर है, कौन कौन से आपके टेस्ट होंगे, किन किन मराल से आपको गुजरना पड़ेगा, उसको भी कवर करेंगे। फर्दर सैलरी की भी बात करेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर FIM में अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो कितनी आपको दी जाएगी। नेक्स्ट फैसिलिटीज की भी बात करेंगे, पावर्स की भी बात करेंगे। नेक्स्ट हम पेपर पैटर्न की भी बात करेंगे कि आप लोगों के जो टेस्ट होंगे उनका पेपर पैटर्न क्या होगा। फर्दर आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा फर्दर दो तीन आप लोगों के और भी क्वेश्चन है जो मैंने इधर एड नहीं किए हुए, तो उसका भी आंसर करूंगा। तो जल्दी से सबसे पहले हम तलीम देख लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। आपकी जो तलीम है मास्टर आपका होना चाहिए, मीन के 16 साल तलीम है ना आपकी, BS 4 ईयर आपने किसी भी सब्जेक्ट में, इसके अलावा अगर आपने MSc, MCOM, साइंस आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट में है ना आपका मास्टर कंप्लीट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर आपने MPhil किया हुआ है, PhD भी की हुई है ना, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, आपकी जो एज है वो 22 से लेकर 28 ईयर्स के राउंड रूट आपकी एज होनी चाहिए। फर्दर एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, +5 ईयर्स आपको एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, तो बनते हैं 33 ईयर्स। तो 33 ईयर्स से एक दिन भी अबव नहीं होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो 33 इयर्स होने चाहिए वो किस डेट से पहले पहले होने चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ना कि 20 मार्च लास्ट डेट है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, तो 20 मार्च तक अगर आपकी एज 33 इयर्स तक मीन के बनती है ना, बिलो है ना, तो आप एलिजिबल हैं। ये क्वेश्चन ना जो मैं रिसेंटली एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की पोस्ट के वाले से, उस पर एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उम्मीद करता हूँ उसको भी इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैसे आपने अप्लाई करना है, तो बिल्कुल आसान है, आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है APSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम कैंडिडेट्स को पता होगा क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में प्रोसीजर बता चुका हूं। एक चीज नोट कीजिएगा, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए जो फिजिकल क्राइटेरिया ना, लाइक हाइट का, चेस्ट का, मेल और फीमेल के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं मैंशन एडवर्टाइजमेंट पर, ठीक है। बाकी जो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की पोस्ट के लिए वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। फर्दर बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो आप लोगों का सबसे पहला टेस्ट होगा वो रिटन बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं, MCQ बेस्ड टाइप टेस्ट होगा। फर्दर मैं आपको आखिर पर मीन के पूरा पैटर्न बताऊंगा जो आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, किन किन सब्जेक्ट में से कितने MCQs आएंगे, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे जो पहला टेस्ट होगा वो आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि कब तक होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की पोस्ट पर मीन के जो मैंने वीडियो बनाई ना उस पर आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, APSC ना थोड़ा सा जो इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है वो लेंथी होता है, 1.5 से 2 साल लग जाते हैं आप लोगों की जो फाइनल मीन के सिलेक्शन होने तक। तो आप लोगों का जो पहला टेस्ट होगा ना स्क्रीनिंग टेस्ट, वो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि 5 से 6 मंथ बाद मीन के आप लोगों का टेस्ट होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में जो जो कैंडिडेट्स भी शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, फर्दर उन कैंडिडेट्स का होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ठीक है। तो एक चीज़ और नोट कर लें, आप लोगों का मीन के क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट में किन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है,
देखिए क्राइटेरिया जो पासिंग है ना वो तो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स टेस्ट में पास हो जाते हैं, लेकिन एपीएससी का जो बेसिकली क्राइटेरिया है कि एक सीट पर 10 कैंडिडेट्स को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट कर, तो 30 पोस्टें हैं ना, तो 30 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना, टोटल बनती हैं 300। 300 कैंडिडेट्स को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए नेक्स्ट मीन के सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल चुका होगा क्योंकि आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, तो मैं आपको उसका पैटर्न भी बताता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कितने मार्क्स का होता है, ठीक है, कौन कौन से आपसे वहाँ मीन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी मीन के पेपर पैटर्न बताता हूँ। नेक्स्ट जो जो कैंडिडेट्स भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में शॉर्टलिस्ट मीन के क्वालिफाई कर लेंगे, फर्दर उन कैंडिडेट्स की होगी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन आप लोगों को पता होगा, बेसिकली आप लोगों ने इसमें अपने एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो एपीएससी को अरसाल करने होते हैं, तो ये ज्यादा कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं होता। तो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोगों का फाइनल जो फेस होगा वो इंटरव्यू होगा। बाकी एक चीज और नोट कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के दरमियान आप लोगों का साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है, वो बेसिक सा होता है, उसमें आप लोगों की मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है, वो ज्यादा वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो देन आप लोगों का जो होगा इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में जो जो कैंडिडेट्स भी शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे तो उन तमाम फाइनल जो कैंडिडेट्स की लिस्टें होंगी आपके जो मुतलका डिपार्टमेंट है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप एफआईए में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती होने जा रहे हैं, तो उन तमाम फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्टें एफआईए को अरसाल कर दी जाएंगी एपीएससी की जानब से। तो देन डिपार्टमेंट की जानब से आपका मेडिकल करवाया जाएगा, बेसिकली इसमें आप लोगों को चेक कर लिया जाता है कम्प्लीटली कि आया कि आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग डिस्टर्ब हों, तो कम्प्लीटली आप लोगों का मेडिकल होता है। नेक्स्ट उसी मेडिकल के साथ आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो भी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सैलरी की भी बात कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि असिस्टेंट डायरेक्टर की सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी जैसे कि मैंने आपको इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की बताई थी, जिसमें आप लोगों को जो 3 अलाउंसेज हैं, जिसमें एफआईए अलाउंस हो गया, फर्दर जो एंटी ऑर्गेनाइज क्राइम अलाउंस हो गया, इसके अलावा टीएडीए जो अलाउंस होता है वो भी आप लोगों को जो 3 अलाउंस एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो फर्दर एडहॉक रिलीफ अलाउंस आ जाते हैं, हाउस रेंट, इसके अलावा मेडिकल अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, इन तमाम अलाउंसेज को ऐड करने के बाद जो आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी बनती है ना वो 1 लाख से प्लस होती है, कि बाकी फ्लक्चुएशन हो सकती है, ज्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, मैं आपको बता भी चुका हूं कि एफआईएम में सिर्फ 15% ना जो मीन के इनका बजट होता है वो इन्वेस्टिगेशन और इनमें कंज्यूम किया जाता है, बाकी जो 85% मीन के बजट है ना एफआईए का वो इम्प्लाइज की सैलरीज के लिए ही कंज्यूम किया जाता है। तो इसीलिए एफआईए में जो एक कांस्टेबल भी है ना उसकी भी जो स्टार्टिंग सैलरी है ना वो 40+ होती है। बाकी सैलरी के साथ साथ आप लोगों को फैसिलिटीज भी दी जाती हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर की स्पेशली आपको गाड़ी भी दी जाती है, इसके अलावा आप लोगों को अकोमोडेशन की भी सहूलियात दी जाती हैं, फर्दर आप लोगों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, आपके और आपके फैमिली के बच्चों के लिए फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। नेक्स्ट इंटरेस्ट फ्री लोन भी आप लोगों को दिया जाता है, अगर आपने कहीं ट्रैवलिंग करना है, बाई एयर करना है, बाई ट्रेन करना है, उसमें भी आप लोगों को 50% डिस्काउंट दिया जाता है। इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, फर्दर आप लोगों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स भी इनको दिए जाते हैं। नेक्स्ट अदर अलाउंसेस, हायरिंग अलाउंस, ये भी आप लोगों को दिए जाते हैं। आप इस बात से ही अंदाजा लगा लें कि फैसिलिटीज, सैलरी एक अच्छी सैलरी के साथ साथ आप लोगों को कितनी फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। बाकी पावर्स, पावर्स तो आप लोगों को मोस्टली कैंडिडेट्स को आइडिया होगा, मैं आपको इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर की बेसिकली आप लोगों ने इंटरनेशनली तौर पर एज अ सिविलियन पर्सन के तौर पर एफआईए को रिप्रेजेंट करना होता है, तो आप लोगों की जो पावर है, वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों की जो पावर है ना उन पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आप लोगों का जो पेपर पैटर्न, सबसे पहला जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट फेस होगा वो रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आप लोगों का 100 MCQs पर मुश्तमिल पेपर होगा, ठीक है, फर्दर उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे जो पहला पार्ट होगा वो इंग्लिश का पार्ट होगा। इंग्लिश में आप लोगों को पता होगा मोस्टली कैंडिडेट्स जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, तो जिनमें वोकैबुलरी का पार्ट आ जाता है, वोकैबुलरी में आप लोगों को पता है सिनोनिम, एंटोनियम्स, ठीक है, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, देन आप लोगों का जो ग्रामर का पार्ट आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर ही होती है। नेक्स्ट जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज मीन के ये जीके का मीन के आ जाता है, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट में 80% इससे रिलेटेड होगा, इंग्लिश का 20% होगा, ये भी आप नोट कर लें। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में जीके का पार्ट आ जाता है, फर्दर जो एवरीडे साइंस, ठीक है, देन बेसिक मैथ, इसे आप बेसिक अर्थमेटिक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी भी रेशो ऐड की जाएगी, फर्दर पाकिस्तान अफेयर्स रिलेटेड, ठीक है, फिर नेक्स्ट इस्लामिक स्टडी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है एफआईए एक्ट 1974, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन। गाइस उसके पेपर में और इसके पेपर में, असिस्टेंट डायरेक्टर के स्क्रीनिंग टेस्ट के पेपर में जो मेजर डिफरेंस है ना वो है एफआईए एक्ट 1974 से रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड भी असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में क्वेश्चन होंगे, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के पेपर में एफआईए एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे, ये भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन ये रेज होता है कि आपने इन तमाम सब्जेक्ट की कैसे कहां से प्रिपरेशन करनी है। देखिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, एकेडमीज भी तैयारी करवा रही हैं, लेकिन मैं आप लोगों को, अगर आप सीरियस है ना, घर में बैठ के स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं कि मैं अपने चैनल पर इन्हीं सब्जेक्ट से
रिलेटेड सेपरेट सेपरेट हम लेक्चर्स की शक्ल में इन तमाम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो अगर आप भी सीरियस है ना, घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेसिकली जो मेरे चैनल बनाने का ऑब्जेक्टिव है ना, मैंने चैनल इसी वजह से बनाया कि जो जो कैंडिडेट्स भी एडमिशन की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, तो वो मेरे चैनल के तबस्सुम से कनेक्टेड रह के ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मैं गारंटी के साथ बात करता हूँ, क्योंकि मैंने डिज़ाइन ही, आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को देखा होगा, अभी काफ़ी ज़्यादा मटीरियल रहता है। इंशाल्लाह जैसा कि आपके पास सफिशेंट टाइम है, तो इंशाल्लाह आपके पेपर से पहले पहले इन तमाम सब्जेक्ट का जो मटीरियल है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एफआईए एक्ट से रिलेटेड मैंने अभी कोई भी वैसे वीडियो नहीं अपलोड की, लेकिन इनसे रिलेटेड मैंने काफ़ी मटीरियल ऑलरेडी अपलोड कर दिया और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह आपके पेपर से पहले कंप्लीट कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी एफआईए एक्ट से रिलेटेड मैंने आपसे प्रॉमिस कर लिया है, इंशाल्लाह इससे रिलेटेड मैं अपने चैनल पर मटीरियल अपलोड करूँगा। जिन में रखिएगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीपीएससी में जो रिटन टेस्ट होता है, एमसीक्यू स्पेस पेपर होता है, उसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो आप लोगों को पता है कि 0.25 की होती है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि एपीएससी के पेपर में, आप लोगों को वैसे पता भी होगा कि एपीएससी के पेपर में स्क्रीनिंग टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का। 100 क्वेश्चन मीन के 100 मार्क्स होंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के, बेसिकली उसमें 40% इंग्लिश का पार्ट होगा और नेक्स्ट 20% इस्लामिक स्टडी से और 20% करंट अफेयर और फर्दर जो 20 बचते हैं वो पाक अफेयर से रिलेटेड पार्ट होगा। अब इसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है, लाइक करंट अफेयर के 10 हो सकते हैं, इस्लामिक के 30 हो सकते हैं, पाक अफेयर के 30 हो सकते हैं, फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन इन्हीं चार सब्जेक्ट में से आपका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का पेपर होगा। सर एक बात जहन में रखिएगा, आप लोग कॉमेंट्स भी पूछ रहे थे, जो आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट है ना वो कैसी बनाई जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के कितने मार्क्स हैं 100 और इंटरव्यू के कितने हैं 200, ये भी बात जहन में रखिएगा, मोस्टली कैंडिडेट्स को नहीं पता होता। तो आप लोगों की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ना, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जितने आप सिक्योर मार्क्स करेंगे और फर्दर आपके इंटरव्यू में जितने मार्क्स मीन के सिक्योर करेंगे, उनके मार्क्स की रेशो को ऐड करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके अलावा जो आप लोगों का साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, उसके कोई भी मार्क्स ऐड नहीं किए जाते फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो ये थी आज की वीडियो एफआईए में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के वाले से। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूंगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, और फर्दर जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी इन जॉब्स रिलेटेड वो भी आप लोगों को मेरे चैनल को तबस्सुम से मिलेंगी। तो आपने बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट और भी वीडियो बनाऊंगा, इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश के वाले से स्पेशली आप लोगों को गाइडेंस दूंगा कि आपने कैसे कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, और नेक्स्ट जो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के वाले से जो 200 मार्क्स होंगे उसकी भी आप लोगों को सेपरेट से वीडियो बनाकर लाजमी शेयर कर दूंगा। तो फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नजूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।